आप हैं डॉक्टर उबैदुल्ला बेग साहब, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक नहायत अच्छे तबीब तो हैं ही, साथ साथ ये बहुत सारे सोशल काम में लगे रहते हैं और यूएन पीस एम्बेसडर भी हैं और कई तरह के इनके कारनामे हैं। आप इनसे बात कीजिए, ये नहायत ब्रांडेड आदमी है और आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर कराना चाहता हूँ और हर्बल बैग। मेरा तकरीबन पूरी दुनिया में यूनानी पे काम है और तकरीबन 17-18 कंट्री में मैं लेक्चर्स पूरे होते हैं और यहाँ ये यूनानी टीवी कांग्रेस के साउथ मतलब उन्होंने ये मैं ये एक नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और उन्होंने ये जो मतलब स्टेट के लेवल की हो रही है तो मैं रहना ज़रूरी है, तो उस लिहाज से मैं यहाँ पर मेरा लेक्चर में यहाँ पर ऊपर रात में मतलब सिंगल ड्रग्स में मेरा काम है। तकरीबन 18 साल से सिंगल ड्रग्स पे काम कर रहा हूँ। यूनानी पति के जो लोगों को यूनानी पे भरोसा नहीं उसको वापस यूनानी पे लेके आया, घर वापसी ये मेरा मिशन है। तकरीबन 18 सालों से इसी पर काम कर रहा हूँ डिफरेंट स्टेट्स में। अल्लाह की वजह से आप आज के दौर के अंदर 4-5 हज़ार डॉक्टर सिर्फ मेरे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको हम यह फिर वापस हमारे प्लेटफॉर्म में लेकर आ गए हैं और एक हद तक यही कोशिश है कि यहाँ भी ये कलकत्ता के अंदर जो कॉलेज है उनके और दूसरे जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको फिर वापस यही पति पे ला के फिर इसको हम डेवलप करें। जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ जो है बोलते रहेंगे, लेक्चर भाषण देते रहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। जब अमल करके बताएंगे, इसीलिए एक मशहूर यह है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और इसी तरह यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है। अगर अमल के साथ आप जो है यकीन के साथ अमल नहीं रहा तो बेकार है, सिर्फ बातें करके कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो हम अमल की तरफ लेकर आ रहे हैं और मैं मेरे मतलब के 17 साल के तजुर्बे के सिंगल ड्रग्स के बहुत आसान नुस्खे सबको पेश कर रहा हूँ और आसानी से आप मतलब में उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है और ड्रग्स भी बहुत कास्टली नहीं है, एकदम चीप ड्रग्स है। आप छोटे छोटे नुस्खों से बड़ी बड़ी बीमारियों को हम ट्रीट कर सकते हैं। यूनानी में एक बहुत बड़ा एक ऐसा बेहतरीन दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है और 4,000 साल नहीं 8,000 साल, अक्सर लोग 4,000 साल समझते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं, 4,000 साल से हमारी बुखारात ने हमको थियरी दी, हिप्पोक्रेट्स ने हमको ये फंडामेंटल्स दिए। लेकिन उससे पहले जब इंसान पहला इंसान ज़मीन में कदम रखा उसी के साथ इस टिप को जोड़ा गया और टिप के पूरे राज बताए गए, वहीं से आज तक हमारी टिप यूनानी आ रही है। इससे आज तक जो हमारे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं टिप से जुड़े हुए सब ये बात तस्लीम करते हैं कि जब इंसान पैदा हुआ था तब से टिप शुरू हुई तो वही टिप आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी पर हम सब फिर वापस ही लेकर आए। एक दिन ज़रूर आएगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि पूरी दुनिया के अंदर लोग यूनानी ज़रूर करेंगे और उसको चाहेंगे और उस पर इलाज करेंगे कि ये नेचुरल टाइप का इलाज है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। एलोपैथी बना 100 साल से, 100 साल से पहले एलोपैथी के एक आप मिसाल नहीं दे सकते, तो उससे उसके बाद के जितने भी मतलब आप सिस्टम अभी आए हैं मौजूद में ये सब ऑल्टरनेटिव सिस्टम इसलिए कहलाते हैं कि उनके पास एक पक्का और 100% प्रूवन इलाज है। एलोपैथी में लोग सिम्टम का इलाज करते हैं, हम सिस्टम का इलाज करते हैं, हम इलाज सिस्टम का करते हैं, इसीलिए पूरी बीमारी क्यों रहे क्यों होती है। आप कोई किसी को पूछेंगे माइग्रेन क्यों भाई आपको क्यों नहीं होता तो वो बोलते हैं कि इडियोपैथिक काज, उसका काज हमको मालूम नहीं है। हम बोलते हैं कि माइग्रेन का काज दिमाग के अंदर का जो बलगम ज़्यादा हो गया वो जाकर जमा होना शुरू हो गया जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज हुआ है, इसमें सर्कुलेशन नहीं जा रहा है ब्रेन के आर्टरीज में, उसकी वजह से हमको ये है माइग्रेन का दौरा पड़ता है। तो हमारे पास काज है तो हम उसको काज को इलाज करते हैं तो बीमारी सही हो जाती है। वो पेन किलर देकर तकरीबन आपको रोज़ाना पेन किलर खा कर खिला खिला के मार देते हैं फिर भी उनको जो है वो क्योर नहीं होता, लेकिन हमारे यूनानी सिस्टम के अंदर हम रूट काज को ट्रीट करके रूट काज को बेस करके हम ट्रीट करते हैं तो कंप्लीट क्योर हो जाता है। शुक्रिया।